देख रहे हैं सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ। नमस्कार, मैं रुचि शर्मा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। और अभी हम खड़े हैं अटल वेंडर मार्केट, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की यहाँ पर स्मृति है। और आपको बताते चले कि कल उनकी पुण्य स्मृति के मौके पर यहाँ पर माल्यार्पण किया गया था। और उसके बाद आज के दिन 17 अगस्त जो कि कुछ लोगों ने, जिसको कि कह सकते हैं घृणित मानसिकता ही कह सकते हैं, कि कुछ लोगों ने वहाँ पर थूक फेंका था। तो आइए यहाँ के लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ था। और सर आप बताएंगे। देखिए, कल हम लोग आए थे। हम लोग तो जब से ये मार्केट बनी है, ये दूसरा साल है हम लोग यहाँ पुण्यतिथि मनाते हैं और वाजपेयी जी का जन्मदिन भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। कल भी हम लोग, क्योंकि हमारा मार्केट 5 महीना से बंद है, हम सभी दुकानदारों का भी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। आज सुबह जब लगे 11:30 बजे हम लोग मार्केट पहुँचे, तो एकाएक देखने को मिला कि वाजपेयी जी का प्रतिमा जो हमारे परिसर में लगा हुआ है, उसको अपवित्र किया गया है। चाहे वो ऊपर के फ्लोर से, और जहीं से ऊपर से पान का पीक उनके ऊपर थूका गया था, जो माथा पे, गर्दन पे, यहाँ गाल पे और पूरा चबूतरे पे पड़ा हुआ था, हम लोगों ने देखा कि भाई ये चीज़ जो है क्षमा करने के योग्य नहीं है। खुद डिप्टी मेयर अपने से गंगा जल मंगवा करके पूरे प्रतिमा को शुद्धिकरण करके तब वो गए हैं यहाँ से। हमारे देश के सिरमौर कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी पर इस तरह उनकी प्रतिमा के आसपास ऐसे घृणित मानसिकता वाले लोगों के बारे में और भी लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं कि इस तरह की जो क्रियाकलाप है, इस पर कैसे रोक लग सकता है। रोक लगने के लिए तो हम लोग सारा चीज़ को, हम लोग नगर निगम का डिप्टी मेयर को सूचना दिए कि इस तरह का जो घटना हो रहा है इसको रोका जाए, नहीं तो बहुत ख़राब हो जाएगा। क्या है कि हम लोगों का रोजी रोटी का प्रक्रिया यहाँ पर, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, और ऐसे भी हमारा वेंडर मार्केट 5 महीना से बंद है खाने कमाने के। मानसिकता वाले व्यक्ति को आप क्या कहना चाहेंगे? हमको लगता है कि मार्केट को बदनाम करने का ये साजिश चल रहा है। कुछ लोग ऐसा है जो कि मार्केट नहीं खुलने देना चाहते हैं, या फिर लोगों को बदनाम करने के लिए वेंडर को ऐसा काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि लोगों बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन और भी लोगों से जानते हैं। चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के नहीं थे, एक पूरे देश के ताज रहे हैं, तो इनसे जानते हैं आपका क्या कहना है। ये तो बहुत गलत काम हो रहा है। मार्केट को बदनाम करने से अच्छा है मार्केट खुलवाया जाए, यही हम तो कहना चाहते हैं। जिन लोग भी ये काम किया, हमारे मार्केट में CCTV कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे से हम लोग देखेंगे और उसमें मायने में FIR भी किया जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई का मांग करेंगे थाना प्रभारी से हम लोग, कि आइंदा दिन कोई भी, चाहे दुकानदार हो चाहे निगम कर्मी, कोई यहाँ पे नगर निगम का आदेश ज़्यादा काम हम लोग। अलग तरह के लोगों का अलग अलग बयान है, अलग अलग कहना है, और भी कुछ व्यक्ति से जानेंगे कि इनका क्या कहना है। इस तरह के लोगों पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहना क्या चाहेंगे, हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से मार्केट खुले। हालत हम लोग की स्थिति काफ़ी गंभीर है, जो कि राशन वाला भी उधारी नहीं दे पा रहा है, दूध वाला भी उधारी नहीं दे पा रहा है, इसलिए जल्दी से जल्दी मार्केट खुलने का हम लोग को आज्ञा करें। आप वेंडर मार्केट की? जी, वेंडर मार्केट की। ये अपनी दयनीय स्थिति को बता रहे हैं। यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं वो लोग इस कोरोना के संक्रमण से प्रभावित हैं, लेकिन इस जो मूर्ति के आसपास जो थूका गया था, अभी तो सफाई कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले की भी कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे। अभी पूरी सफाई हो चुकी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए अटल जी एक पूजनीय शख्सियत हैं, उनको तो जितना भी पूजा जाए कम है इस वेंडर मार्केट की बनस्पत पे, लेकिन उनके ऊपर बार बार मतलब अपमानित करना, ये कहीं भी लगती है कि साजिश है। साजिश इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले भी उनके ऊपर इसी तरीके का पीकापन किया गया था कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने। यहाँ पर जो भी हो रहा है ये सोची समझी साजिश लग रही है, कि जिन्होंने भी ऐसा किया है, जिसके भी ऐसे गंदी मानसिकता वाले लोग हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी साजिश ना हो भविष्य में, इसकी इन लोगों ने बातें कही। ये बहुत ही दुखद घटना है, और जो भी इस तरह का कोई घटना घटती है तो बहुत ही मतलब दिल से दुख पहुंच जाती है। इसलिए कि ये सम्मान की बात है, हमारे अटल जी इस देश की मालूम है ना एक अस्तम्भ थे, और उन्होंने मालूम उसके ऊपर कोई थूक देता है तो ये बहुत बड़ा गलत काम है। यहाँ हमारे नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय जी आए,
उन्होंने अपने आँखों से जो कृत्य देखा है देख के आए हैं, जिस महान पुरुषों के नाम से इतना बड़ा मार्केट, जिनकी वहाँ प्रतिमा लगी हो, और समाज के न जाने कौन ऐसा वर्ग होगा जो इस तरह का कृत्य किया है, अपमानित किया है उस मूर्ति को। निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहेंगे सरकार को कि इसकी गहन जांच कराए, सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा हुआ होगा, उसमें पता चल जाएगा कि कोई पार्टी के लोग हैं या उन्हीं के पार्टी के कोई असामाजिक तत्व हैं, कौन ऐसा कृत्य किया जैसे ऐसे महान पुरुष के ऊपर इस तरह से करेगा, तो ये झारखंड संस्कृति के विरुद्ध है। वो अपने माँ बाप के ऊपर भी ऐसा थूक लगा सकता है, ऐसा कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के गौरव, हमारे देश के नाज, हमारे देश के सिरमौर, और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दोबारा ना हो, इससे हमारे शहर का सौहार्द माहौल भी बिगड़ सकता है। तो सबरंग समाचार के लिए मैं रुचि शर्मा।